हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका व्यंजन वाटिका रसोई में। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट तिरंगा सैंडविच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तिरंगा सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे हरी चटनी। हरी चटनी बनाने के लिए चाहिए हरी धनिया आधा कप, एक हरी मिर्च, नमक, 4-5 लहसुन की कलियां, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, बारीक सेब आधा कप, टोमेटो सॉस आधा कप, मेयोनीज 2 बड़ा चम्मच, ब्रेड 4 से 5 स्लाइस, क्रश किया हुआ ककड़ी आधा कप, क्रश की हुई गाजर आधा कप, बटर 2 बड़े चम्मच, चीज़ क्यूब ऑप्शनल है 1 पीस। अब सबसे पहले हरी चटनी बनाएंगे। इसके लिए मिक्सर जार में धनिया, नमक, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और बारीक सेब डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छे से पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। ये हमारी हरी चटनी तैयार हो गई। अब ऑरेंज कलर बनाने के लिए टोमेटो सॉस में मेयोनीज मिला देंगे 1 बड़ा चम्मच और मिक्स कर लेंगे। अब इसमें क्रश किया हुआ गाजर मिक्स कर देंगे। ये देखिए ऑरेंज कलर तैयार हो गया है। अब हरी चटनी जो तैयार की थी उसे लेंगे। अब इसमें क्रश की हुई ककड़ी मिक्स कर देंगे। ये हमारा हरा कलर तैयार हो गया है और वाइट कलर के लिए हमने मेयोनीज यूज़ किया है। अब ब्रेड स्लाइस लेंगे और उस पर बटर लगा देंगे अच्छे से, पूरी तरह पूरी ब्रेड में स्प्रेड कर देंगे बटर को। अब उसके ऊपर हरी चटनी लगाएंगे। ये देखिए अच्छे से पूरी तरह से स्प्रेड कर दीजिए पूरी ब्रेड स्लाइस पर। अब दूसरा ब्रेड स्लाइस लेंगे, उस पर भी बटर लगा देंगे पूरी स्लाइस पर। उसके ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज लगाएंगे। उसको मेयोनीज को पूरा स्प्रेड कर देंगे जिससे कि वाइट कलर तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब एक और ब्रेड स्लाइस लेंगे, उस पर बटर लगाएंगे। सभी जगह अच्छे से बटर लगा देंगे। उसके ऊपर ऑरेंज कलर जो हमने तैयार किया था टोमेटो सॉस के साथ वो पूरे में फैला देंगे। इस तरह से हमने तीनों कलर तैयार कर लिए। अब हम इन तीनों स्लाइस को एक के ऊपर एक रख देंगे। सबसे नीचे ग्रीन, उसके ऊपर फिर वाइट और सबसे ऊपर ऑरेंज कलर। तो ये हमारा ट्राई कलर तैयार हो गया। अब एक ब्रेड लेंगे और इसमें बटर लगाएंगे और थोड़ी सी मेयोनीज लगा देंगे। और अब इसे पलट कर रख देंगे। ये देखिए अब इसको बीच में से कट कर देंगे। ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट तिरंगा सैंडविच तैयार हो गया है। अब इसे अगर आप और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाइए और जो चीज़ क्यूब लिया था उसे क्रश करके डाल दीजिए।
तभी सैंडविच और भी स्वादिष्ट लगेगा। ये देखिए इस तरह से सैंडविच बनाइए, आपको काफ़ी पसंद आएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।